वीडियो में हम बात करेंगे कि चालू महिलाओं को कैसे पहचाने। चाहे कोई भी धर्म हो, महिलाओं को हमेशा सम्मान से ही देखा जाता है। एक महिला माँ के रूप में पूजनीय होती है, लेकिन कलयुग में यह कहना भी सही नहीं है कि हर महिला अच्छे विचारों और अच्छे संस्कार वाली ही होती है। कई बार कुछ लोग चालू महिलाओं के इशारे को समझ नहीं पाते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। चालू महिला का मतलब होता है अति स्वार्थी होना, बहुत झूठ बोलना, धोखा देने की आदत, सामने वाले को मूर्ख बनाकर उसका फायदा उठाना, गलत हरकत, शॉर्टकट तरीके से कार्य करने या करवाने की कोशिश करना आदि। चालू औरतों को कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। एक बात को तू कबूल, मेरे प्रसिद्ध फूल, दाई का पर्याय कहलाता, दो अक्षर का नाम बतलाता। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ा बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मन के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चालू औरतों को कैसे पहचाने, चालू औरतों की 5 पहचान। दोस्तों, चालू महिला अक्सर ही अपने स्वार्थ सिद्ध में लगी रहती है। स्वार्थ सिद्ध होने के बाद वह आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। सबसे पहली चीज, स्वार्थ, हमेशा खुद के और किसी करीबी के बारे में ही सोचती है। दोस्तों, जो महिलाएं चालू किस्म की होती है, वह महिलाएं अक्सर ही दूसरों को धोखे में रखती है। जैसे मान लीजिए कि उस महिला को आपकी जरूरत है, वह तुरंत ही आपसे घुल मिल जाएगी, और जैसे ही उसका काम निकल जाता है, वैसे ही आपको घी में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देगी। जब आपको उस चालू महिला की जरूरत होगी, वह बहाने बनाने लगेगी। इस तरह से स्वार्थी महिला अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 2, चिकनी चुपड़ी बातों से आपका मन मोह लेती है। चालू किस्म की महिलाओं को जब आपकी जरूरत होती है, तो वह बड़े ही प्यार से आपसे बात करती है। वह अपना काम निकलवाने के लिए जमकर आपकी तारीफ करती है। ऐसी महिलाएं जल्दी गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि वह जानती है कि गुस्सा करने से उनका काम बिगड़ जाएगा। ऐसी महिलाएं दूसरी महिलाओं के करीब होने की कोशिश करती है। चिकनी चुपड़ी बातें करके दूसरी महिलाओं को अपने भरोसे में लेती है और उनसे सारी राज की बातें उगलवा लेती है। नंबर 3, अपने काम को बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। चालू महिलाओं की खास बात होती है कि वह अपना काम निकलवाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल नहीं हिचकती है। ऐसी औरतों के अंदर द्वेष, ईर्ष्या और जलन जैसी गंदी भावनाएं होती, जिसके कारण वे आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी औरतें खुद व खुद के परिवार के लिए किसी को भी मुश्किलों के दलदल में भी धकेल सकती है। नंबर 4, मेहनत से दूर भागती है और शॉर्टकट तरीका अपनाती है। चालू औरतों की पहचान इतना भी मुश्किल नहीं होता है। ऐसी औरतें सिर्फ बैठकर खाना और रहीसी की जिंदगी जीना चाहती है। इसके लिए ऐसी महिलाएं किसी भी हद तक गुजर सकती हैं। इन्हें मेहनत करके पेट पालना पसंद नहीं है। कुछ महिलाएं भोले भाले लड़कों को फंसा कर उनसे पैसे ऐंठती हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि सभी चालू महिलाएं ऐसा ही करें। नंबर 5, धोखा देना इनकी फितरत है। चालू महिलाएं अक्सर ही धोखा देती है। चालू औरतों को पैसे के प्रति ज्यादा प्रेम होता है। इनके लिए रिश्ते से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं। ऐसी औरतें दूसरों को अपनी आदत लगवाकर उनसे सारा काम निकलवाती है। प्यार में धोखा देना इनके लिए बेहद आम है। आपसे काम निकलवाने के बाद ऐसी महिलाएं आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ देती है। चालू महिलाओं की 5 पहचान आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ताकि आप किसी के झांसे में ना आए। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पर बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे 8:30 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।